एंड्रॉयड 12। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर जो गूगल का आईओ होने वाला है वहाँ पर इसका अनाउंसमेंट होने वाला है एंड्रॉयड 12 का। और यहाँ पर जो ऑफिशियली लॉन्च होगा यहाँ पर डेवलपर्स के यूज़ करने के लिए वो होगा यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के आसपास आ सकता है। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे। कुछ फीचर्स है जो यहाँ पर आ चुके हैं तो उन्हीं फीचर्स के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, काफ़ी कमाल के फीचर है, तो आप इस वीडियो को पूरे तक जरूर देखिएगा। काफ़ी काम के लिए अवेलेबल वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों फीचर्स बताने से पहले मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो एंड्रॉइड 12 आएगा उसका नाम क्या होगा, ये गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि यहाँ पर एक स्वीट के नाम पे होगा, जैसे किटकेट था, जेली बीन था, यहाँ पर ओरियो था, इनके नाम पे होगा या नहीं होगा, स्वीट के नाम पे, खाने वाली चीज़ के नाम पे, ये क्या होगा, आपके माइंड का कितना वर्क करता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बार कंसेप्ट समझ में तो आया ना कितना कमाल का यार एक बार एंड्रॉइड 12 का नाम। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर है वो है यहाँ पर डबल टैप का। जी हाँ दोस्तों, डबल टैप में क्या होगा, आप पीछे यहाँ पर पीछे की साइड बैक टैप में दो डबल टैप करोगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है, यहाँ पर ये काफ़ी कमाल का है। और सेकेंड है यहाँ पर ऐप पेयर्स का। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर क्या होगा कि आप एक ही समय में एक ही यहाँ पर मतलब दो दो ऐप्स को यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पे स्प्लिट स्क्रीन चल रहा है ना, तो वैसे ही यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में आप यहाँ पर क्या करते हो, दो स्क्रीन तो यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों में एक टैप करना पड़ेगा तब वो चलेगी, फिर दूसरा टैप करना पड़ेगा वो चलेगी। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा कि आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हो दोनों में। ये कंसेप्ट मेरे को यहाँ पर काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फोल्डेबल फोन आता है ना उसमें यहाँ पर ही काफी यूज होने वाला है, तो इसी वजह से। और अगला है दोस्तों वो यहाँ पर सभी को पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कमाल का, ये है एंड्रॉइड के अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड के अपडेट्स है ना आपको यहाँ पर फास्टली मिलेंगे। और आप यहाँ पर यही नहीं कि आप जो यहाँ पर कुछ अपडेट्स होंगे ना वो डायरेक्टली यहाँ पर प्ले स्टोर पर दिए जाएंगे, और प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट अपलोड अपडेट को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है कि ओटी अपडेट यहाँ पर फोन्स में नहीं आते, तो ओटी अपडेट्स तो फोन्स में भी आएंगे और यहाँ पर प्ले स्टोर पर भी मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे यहाँ पर इसी एंड्रॉइड 12 का। और अगला है दोस्तों यहाँ पर थीमिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको यहाँ पर व्हाइट डार्क ये थीम मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको आने वाले एंड्रॉइड 12 में अलग अलग थीम मिलेगी, कलर्स मिलेंगे यहाँ पर, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, रेड, जो भी यहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हो अलग अलग थीम यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे यहाँ पर इसी थीमिंग सिस्टम का। और नेक्स्ट फीचर यहाँ पर निकल के आता है ऐप हाइबरनेशन का। इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पर बहुत सी टाइम पे क्या होता है कि आप यहाँ पर बहुत सारी एप्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एट द टाइम आप यहाँ पर इतनी सारी ऐप यूज़ कर रहे हो जो काम नहीं आ रही है, बस वो एक ही एक आप बार बार खोल रहे हो, तो वो सारी ऐप्स को क्या करेगा, क्लोज कर देगा वो। यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस लोड ना हो, बैटरी पे इम्पेक्ट ना हो, यहाँ पर आपका सीपीयू फ्री चले, तो इसी वजह से उनको क्लोज कर देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, बहुत से क्या करते हैं रिसेंट ऐप में खोले रखते हैं, तो इसी वजह से वो बस स्टार्ट करती है ये करती है तो वो उसे क्लोज ही कर देगा, ये काफ़ी अच्छा है। और अगला है दोस्तों वाईफाई शेयरिंग का। क्या होता है कि आपके जो आजू बाजू यहाँ पर बैठे हैं लोग बाग, उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर वाईफाई शेयर करना चाहते हो, लेकिन आपको यहाँ पर उसे पासवर्ड बताना चाहता है, तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड का सिस्टम होगा, या फिर अभी क्यूआर कोड का तो आ चुका है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे क्या होगा कि आप वाईफाई शेयर पर क्लिक करोगे ना तो वाईफाई शेयर हो जाएगा बिना पासवर्ड के। जी हाँ दोस्तों, बिना पासवर्ड के उसके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर लगा, देखते हैं यहाँ पर यूज तो करना बनता है, एक बार आने तो दो। और अगला है दोस्तों यहाँ पर स्क्रोलेबल स्क्रीनशॉट। जी हाँ दोस्तों, जिसमें क्या होगा कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हो, बेसिकली ये आ गया एक स्क्रीनशॉट, लेकिन अब यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट के साथ में आप काफी सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब लॉन्ग वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो नेटिवली, ये आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 में देखने को मिलेगा। तो ये काफी खास अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और अगला है दोस्तों यहाँ पर जो आपको मिलेगा, यहाँ पर वायर गार्ड का वीपीएन देखने को मिलेगा इंटरनली। जी हाँ दोस्तों, आपको वीपीएन के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इंटरनली ही आपको यहाँ पर नेटिवली इसमें वीपीएन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये एक दिक्कत हो जाती है कि वीपीएन यहाँ पर सही से वर्क करेगा या नहीं करेगा, अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस देगा या नहीं देगा, ये देखने की बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वीपीएन क्या काम आता है, आप बाहर की कंट्री में जाते हो तो बाहर की कंट्री में जो इंडिया की वेबसाइट्स है वो बैन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना है, बहुत सारी जगह है वहाँ पर बैन है, तो आप वो वेबसाइट चाइना में यूज़ करना चाहते हो तो आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हो, तो इसी वजह से। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स है, सात आठ फीचर्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो एंड्रॉइड 12 में आने वाले हैं। कैसा लगा यहाँ पर ये इन सारे फीचर्स में से आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का नाम बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा रखता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।